गुरु जी, यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र संख्या 27। ओम इंद्रो व्रत्रम अव्रणोत शर्धनीतिः प्रमायिना मुखमिनात वरपरीतिः अहन्वियंसं उषधक वनेषु आविहिधेना अक्रणोत राम्याराम। मंत्रार्थ, शर्धनीति बल नीति वाले इंद्रो परम ऐश्वर्यवान ने व्रत्रम प्रकाशमान को अवरणोत वरण किया। वरण वर्त रीति विविध रूपधारी नीति वाले ने प्रकृष्ट माइनाम मायावी का अमिनाथ हनन किया। वि अंसम विभाजनकारी को अहन हनन किया। उषधक कामनाशील धेना धारणा बुद्धि से राम्याराम रमणियों का वनेशु वनों में आवी ही अक्रणोत आविष्कार किया। भावार्थ, व्रत क्या है? व्रत धातु के अर्थ वर्तना, वर्तमान होना, वर्त करना, सेवा करना, करना बोल। व्रत था ऐसे था ऐसे गुण धातु का वर्त है। व्रत धातु का एक अर्थ ही करनी है। अब गति के साथ ही शब्द ऐसे कार्य अभ्यास से ऐसी क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। धातुवादी, शर्द नीति, शर्द सहन करना, जीतना, शक्ति होना, सामर्थ्य होना, इंद्रो इंद्र परम ऐश्वर्य होना, व्रत्रम व्रत वर्तना वर्तमान होना, करना हिंसा करना, अवरणोत आ क्रिया उपसर्ग व वरण करना, वर्प रीति वर्प विविध रूप धारण करना, नी ले जाना, प्रा उपसर्ग माई नाम मय जाना, कठिन कार्य करना, अमिनाथ नी फेंकना, स्थापना करना, रक्षा करना, नी हिंसा करना, मारना, वी उपसर्ग अंशम अंश विभाग करना, साथ होना, अहन और क्रिया उपसर्ग हन हनन करना, मारना, उषधक उष वश इच्छा करना, कामना करना, धा धारण करना, धेनो धेना धी धारण करना, बुद्धि होना, राम्याराम रम रमना रमण करना, रमणीय होना, वनेशु वन शब्द करना, सेवा करना, अलग करना, मिलाना, स्मरण करना, उत्पन्न करना, याचना करना, आवि उपसर्ग अक्रणोत अक्रिया उपसर्ग क्र करना। ओम संवरण। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 26। ओम इंद्रो व्रत्रम अवरणोत शर्धनीति प्रमायिनाम अमिनात वर्पणीति अहन्वियंसं उषधक वनेषु आविहिधेनाय कृणोत राम्याण। इंद्रो इंद्र परमेश्वर्यवान परमेश्वर, प्रथमा विभक्त एक वचन कर्ता का स्पष्ट है। इंद्रह इंद्रो कर्ता है, परमेश्वर इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर्यवान परमेश्वर। व्रत्रम व्रत्र को अवरणोत वरण किया, वरण करता है, धातु वरण करना, अवरणोत वरण किया या वरण करता है। शर्धनीति ही शर्धनीति वाला, इस प्रथम चरण का अर्थ हुआ
इंद्रो सर्धनेति ही, इंद्र जो है वो सर्धनेति है, सर्धनेति से युक्त है, सर्धनेत वाला इंद्र व्रत्रम व्रत्र को अवृणोत वरण करता है। सर्धनेत वाले इंद्र ने व्रत्र को वरण किया। यह वेद के शब्दों में ही हमने वाक्य बनाने आपको समझाने का प्रयास किया। इंद्र हम जानते हैं, यदि इंद्र परमेश्वरे धातु से इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति है। इंद्रो इंद्रः अर्थात इंद्र ने, परमेश्वरवान परमेश्वर ने व्रत का वरण किया और इंद्र सर्धनीति ही है। सर्धनीति में देखिए सर्ध धातु है, सहन करना, जीतना, शक्ति होना, सामर्थ्य होना। तो सर्धनीति का क्या अर्थ हुआ? सर्द का शाब्दिक कहें भावार्थ सामान्यता बल किया गया। अब देख रहे हैं सहन करना सामर्थ्य की ही बात है, सामर्थ्य होना अर्थ है, शक्ति होना अर्थ है, जीतना भी है इस धातु का अर्थ। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम शक्ति सामर्थ्य और जीतने की क्षमता से युक्त नीति का प्रयोग कर रहे हैं। हमें शक्ति सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए, जीतने की सामर्थ्य और भावना भी चाहिए। इस प्रकार की जो नीति अपनाई जाएगी उसे सर्ध नीति कहा जाएगा। जो इंद्र है, परमेश्वर है, वह संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वरवान एकमात्र परमेश्वर तो है ही। लौकिक अर्थ में जो समाज में हमारा शासक नायक होता है, परमेश्वरवान होता है, हमारे समाज का राष्ट्र का जो परमेश्वर होता है अर्थात प्रमुख शासक होता है, परमेश्वर का अर्थ है सबसे बड़ा शासक। संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा शासक तो एक परमेश्वर परमात्मा ओम ब्रह्म है। समाज में, राष्ट्र में कोई शासक होता है, हम चुनते हैं, किसी को मान लेते हैं, तो वह इंद्र होता है, जनेंद्र, भूपेंद्र आदि शब्दों से कहा जाता है। तो परमेश्वर में तो अनंत शक्ति सामर्थ्य है जिससे वह सृष्टि का सृजन और संचालन, उसके शासन करता है। जो हमारे समाज राष्ट्र का नायक इंद्र हो, उसे भी शक्ति सामर्थ्य विजय की क्षमता राष्ट्र में विकसित करनी चाहिए और उसके अनुसार जब हम नीति बनाएंगे तभी हम राष्ट्र और समाज में सुव्यवस्था और सुरक्षा की भावना उत्पन्न कर पाएंगे। तो इंद्र को, परमेश्वर को सर्ध नीति होना चाहिए, उसकी नीतियां शक्ति सामर्थ्य पर आश्रित होनी चाहिए। यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो निर्बल की कोई नीति नहीं होती। वह याचक हो सकता है, कोई सुन ले तो ठीक, न सुने तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो व्यवस्था बनाने के लिए शक्ति सामर्थ्य की भी आवश्यकता है और ऐसा सर्दनीत वाला इंद्र व्रत्र का वरण करता है। देखिए व्रत्र का वरण कर रहा है, व्रत्र क्या है इसको भी समझ लेते हैं। व्रत धातु का अर्थ बरतना, वर्तमान होना, वरण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना आदि है। इसका एक अर्थ हिंसा करना भी। आया है अग्नि व्रत्राणि जंघनत्, अग्नि ने व्रत्रों का हनन किया,
वहां पर वृत्रों का आशय हिंसकों से है, एक अर्थ इसमें हिंसा करना भी है। जो हिंसक है उसका हनन कर सकते हैं, अहिंसक का हनन नहीं करेंगे। तो सर्द नीति है, शक्तिशाली है और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार नीति का संचालन करता है। तो यदि हिंसक होंगे समाज के लिए हानिकारक, कुछ हिंसक दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे, तो उनका हनन इंद्र कर सकता है। यहां कहा अग्नि वृत्राण जंघन, अनेक स्थानों पर आया है कि इंद्र ने वृत्र का हनन किया, इंद्र ने भी किया, अग्नि ने भी किया। इंद्र का अर्थ परमेश्वर, अग्नि का अर्थ अग्रणी। तो जो भी जो परमेश्वर है वही भी और उसके उपासक जो अग्रणी हैं, जो परमेश्वरवान हैं, वे सभी हिंसकों का हनन तो करेंगे। यहां कह रहे हैं वृत्र का वरण कर रहे हैं, हनन नहीं कर रहे हैं, वरण कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो व्रत के यहां पर अनेक अर्थ हैं, इसका एक अर्थ प्रकाश करना भी है। वर्तना वर्तमान होना, वरण करना तो है ही, सेवा करना, चमकना, प्रकाश होना है, बोलना, शब्द करना है। तो जो इन सकारात्मक गुणों से युक्त हैं, प्रकाशमान हैं, सेवाभावी हैं, वरण करने योग्य हैं, ऐसे वृत्रों का वरण तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए। इस श्लेष से शब्द तो वही है, तो इस श्लेष से दूसरा अर्थ भी कह सकते हैं कि जब राष्ट्र के संचालन के लिए हमें सर्द नीति की आवश्यकता पड़े, वह नीति जो बल पर, शक्ति सामर्थ्य पर आधारित हो, तो शत्रुओं की, दुष्टों की हिंसा करने में समर्थ वीर सैनिकों का वर्णन किया जा सकता है। यहां वृत्र का हिंसक अर्थ लेंगे तो यही कह सकते हैं दुष्टों के हनन में समर्थ वे हिंसक, जो हिंसनीय दुष्टों का हनन करने में समर्थ हैं, वे वृत्र। शब्द वही है, अर्थ धातु ही ग्रहण कर रहे हैं, धातु अर्थ से अलग नहीं जा सकते हैं, परंतु प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में कोई एक अर्थ, अनेक अर्थ या सभी अर्थ स्वीकार्य हो सकते हैं, पूरे प्रसंग को, मंत्र के भाव को देखते हुए। तो इंद्रो वृत्रम अवरणोत सर्द नीति ही प्रमायनम अमिनात वर प्रणीति ही। जो प्रमायनम प्रमुख मायावी हैं, मैं धातु का अर्थ गति करना है, क्लिष्ट कर्म करना है, अमिनात अमिनात भी क्रिया है, आ क्रिया उपसर्ग ही है, और मेधातु का अर्थ भी फेंकना है, स्थापना करना है, रक्षा करना भी है, मेधातु का अर्थ हिंसा करना, मारना भी है, अमिनात का अर्थ हो गया प्रक्षेपित किया, स्थापित किया, रक्षा की या हिंसा की, हनन किया, यह अर्थ भी हो सकता है। तो प्रमायनम अमिनात, जो मायावी हैं वो बहुत से ऐसे कठिन कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब देखते हैं, बहुत सी चर्चाएं हमारे बीच होती हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए, अपराधियों के प्रमुख लोगों के लिए लोग बहुत रोचकता से उनके विषय में चर्चा करते हैं, ऐसे ऐसे कार्य वो कर जाते हैं जिनके विषय में सामान्य व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। इसे आप दुस्साहस कह सकते हैं, साहस तो है तभी वो ऐसे कार्य कर पाते हैं, परंतु वह दुस्साहस है, उसका कोई सदुपयोग नहीं है समाज राष्ट्र के हित में, स्वार्थ के लिए या अपने स्वभाव बस वह ऐसे अनेक कठिन कार्य कर लेते हैं जो सहज भाव से सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, यह तो पूर्णता सत्य है।
ऐसे लोगों को दूर फेंकना होता है, रक्षा करनी पड़ती है ऐसे लोगों से, और आवश्यक हो तो ऐसे लोगों की हिंसा करना अर्थात उनका हनन करना, उनको मारना भी पड़ता है। वर्पिणीति ही, वर्प धातु का अर्थ है विविध रूप धारण करना, बहुरूपीय जिसे हम लोग सामान्यतः बोलचाल में इस समय कहते हैं। नीति ही आ रहा है, हम लोगों का बहुत परिचित शब्द है नीति ही, और नीति में हमने कहा जैसे वर्प में रा था तो ये ना का रा हो गया, वर्प नीति ही हमने बताया था वेदायन रामायण राशा टवरगा ये सब आने पर कुछ वर्ण नाकारणा हो जाता है, ये व्याकरण के कुछ नियम है, तो वर प्रणीति में भी नाकारणा इसी प्रकार से हो गया है। प्रणीति सुना है हम लोगों ने, प्रणयन सुना है, प्रणय सुना है, इन्नी धातु ही है सब, प्रणय में भी नी धातु है, प्रणीति में भी है, नाकारणा हुआ है। तो वर प्रणीत का अर्थ हुआ विविध रूप धारण करने वाली नीति, युद्ध में ऐसे छल कपटी दुष्टों का सामना करने में आवश्यक नहीं कि सीधे सीधे जाकर आप वीरता दिखाएं और उनसे भिड़ जाएं, मारे जाएंगे, व्रत में प्राण देने से कोई लाभ नहीं है। वेद मंत्र स्पष्ट कह रहा है ऐसे लोगों को मारना भी है तो हमें वर प्रणीति ही अपनानी पड़ती है, विविध रूप धारण करके जहां जैसी आवश्यकता हो वैसा वेश भाव बना करके कि वो हमें पहचान न सके, समझ न सके और हम उनका हनन कर सकें, अपने उद्देश्य में सफल हो। आप देखते हैं समय भी जो बहुत से सुरक्षा विभाग हैं विभिन्न वेश बदल करके इस प्रकार के अपने कार्यों को करते हैं, सामान्यतः किसी को पता नहीं चलता है कि ये उस विभाग के लोग हैं, गुप्तचर विभाग के लोग, विभिन्न विशेष रक्षक दल कमांडो आदि जो हम लोग कहते हैं। कभी कभी आवश्यकता होती है विपक्ष ऐसे शत्रुओं के क्षेत्र में जाने के लिए तो लोग वेश बदल कर भी जाते। तो कहा गया है वर प्रणीति ही अर्थात विविध रूप धारण करने वाली नीति भी हमें ऐसे समय पर अपनानी पड़ती है, अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें बहुत आदर्श दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ऐसा तो वेश बदल कर क्यों किया, अरे भाई इतने वीर थे तो आमने सामने जाकर लड़ते, वीर तो थे लेकिन इतने मूर्ख नहीं थे कि शत्रु के क्षेत्र में सीधे जाकर उसे चुनौती दें, और हुआ क्या बलिदान हो गए मारे गए, इसे वीरता नहीं कहते मूर्खता कहते हैं। वीरता यही है कि अवसर के अनुसार उचित रणनीति अपना कर हम सफलता प्राप्त करें, यह वीरता है, यह कौशल है, यह वेद मंत्र स्पष्ट सिखा रहा है, हमें सीखना है। हमारे जो महानायक हैं राम हैं कृष्ण हैं उनके अनेक कार्यों पर भी लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई राम को यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो छल है कपट है कुटिलता है जो भी है, वो केवल कौटिल्य चाणक्य ही नहीं है, राम के विषय में भी बहुत कुछ कहा जाता है इस प्रकार से, बाल को छिप कर क्यों मारा और यहाँ ऐसा क्यों किया वहां ऐसा क्यों किया, कृष्ण के विषय में तो उनकी अनेक नीतियां प्रचलित ही हैं। तो शत्रु पर विजय प्राप्त करना हमारा प्रमुख लक्ष्य होता है, अवसर के अनुसार हमें इस प्रकार की वर्णनीति ही अर्थात बहुत रूप धारण करने वाली नीति को अपनाना पड़ता है, यह वेद की दृष्टि में उचित है, इस मंत्र में हमको ये बताया जा रहा है। अहन भी अंसम उषधक वनेशु, अहन हनन किया आक्रिया उपसर्ग है, हनन किया या अहन हनन करता है कह सकते हैं, वी अंसम वी तो उपसर्ग है विशेष, अंसम
अंश का अर्थ है विभाग करना और साथ होना। विभाग करने के जो साथ हैं उनको भी कह सकते हैं व्यंसम, व्यंसम संधि कर देंगे तो व्यंसम हो जाएगा। संहिता पाठ में व्यंसम लिखा होगा, अधिक संभावना है। वैसे वेद में कुछ कह नहीं सकते, अलग भी हो सकता है। तो कह सकते हैं जो ऐसे विभाजनकारी हैं भी अंसम, जो विभाजनकारी हैं उनका तो अहन हनन कर दिया, अहन भी अंसम विभाजनकारी का हनन किया। उस धक का अर्थ, उस वश का अर्थ है इच्छा करना, कामना करना, धा धारण करना। उस धक इसका क्या अर्थ निकला भाई? उसका अर्थ हो गया उस वश, इच्छा करना, धारण करना, इच्छा करना, कामना करना अर्थ है इस धातु का। और धा धातु का धारण करना, इच्छाधारी, बहुत शब्द प्रचलित है इस समय इच्छाधारी। जब जहां इस जैसी इच्छा हुई, जैसी आवश्यकता हुई, वैसा रूप धारण कर लिया। वर प्रणीति ही पहले भी कह चुके हैं। तो ऐसे विभाजनकारी लोगों का हनन करना आवश्यक है, उसके लिए हमें इच्छाधारी भी बनना पड़े तो बनेंगे। वनेश वनों में, वन का सामान्य अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। वनों में ऐसे अपराधी लोग छिपे होते हैं, उन तक हमें घोर घने वन में पहुंचना भी है, उनको मारना है, हनन करना है। तो इच्छाधारी बनकर गए, विविध ऐसे रूप धारण किए, पता ही नहीं चले कि हम कहां से कैसे आ रहे हैं। एक वनवासी के रूप में चले गए, बहुत से वहां बंजर वनवासी हैं वन में, उसी में हमारे सैनिक भी उसी भेष में घूम रहे हैं, वो नहीं पहचान पाएगा। यदि वो सैनिक बिल्कुल उस रूप में जाएगा तो दूर से समझ जाएगा अच्छा ये आ रहे हैं, तो तैयार हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, वो पहले आक्रमण भी कर सकता है। तो अनेक वनवासी वनों में घूम रहे हैं, उन्हीं का वेश धारण करके हमारे सैनिक भी चले गए और अवसर मिला तो उनका हनन कर दिया। आभी धेना आक्रणोत राम्याणाम, आभी उपसर्ग है, आविष्कार सुना है हम लोग। इस समय विज्ञान में अनेक तकनीकी आविष्कार होते हैं, आभी यही उपसर्ग है, क्रिय करना, आविष्कार। आक्रणोत किया, अब देखिए जैसा कि वेद में होता है, उपसर्ग और शब्द ये पृथक पृथक हो जाते हैं। आभी अक्रणोत पढ़े, आभी अक्रणोत आविष्कार किया, आविष्कार किया, सीधा सीधा इसका अर्थ शब्द सा यही होगा, आविष्कार किया, जो इस समय हम लोग बोलते हैं वही है आभी अक्रणोत। धेना, धेना क्या है? धारणा बुद्धि, क्योंकि धा धी धातुओं का अर्थ धारण करना है, धी धातु का अर्थ धारण करना, इसी धी धातु से धेना बनेगा, धारण करना। और जो भी बुद्धि विवेक सूचना विद्या हम धारण करते हैं मस्तिष्क में, बुद्धि में, उसको भी धी कहा गया है। इसलिए सामान्यता आपने कहीं पढ़ा सुना होगा, कह देते हैं भाई धी माने बुद्धि, धी का क्या अर्थ है? धी का अर्थ है बुद्धि। तो धी का बुद्धि अर्थ कैसे है ये भी हमें जानना है। मुख बात धारण करने से है, भाव विचार सूचना विद्या सब कुछ हम बुद्धि में धारण करते हैं, तो इसलिए उसे हम धी भी कहते हैं। तो धेना का अर्थ हुआ बुद्धि द्वारा, बुद्धि के साथ, तृतीय एक वचन। अक्रणोत धेना बुद्ध के द्वारा ही आविष्कार होगा, बुद्ध के बिना तो कोई आविष्कार होने से रहा। तो कहते हैं धेना अक्रणोत बुद्ध के द्वारा आविष्कार किया, किसका आविष्कार किया? राम्याणाम रमणीयों का, जो रमणीय हैं, उत्तम हैं, आनंददायक हैं, उस रमणीयता का, रमणी आविष्कारों का आविष्कार किया।
देखिए कह सकते हैं अनेक आविष्कारों की प्रेरणा यहाँ आप ग्रहण कर सकते हैं, जो रमणीय हैं, आनंददायक हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जिनमें हमारा मन रम जाता है, जो बहुत उपयोगी उपकरण आदि विकसित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसे रमणीय उपकरणों साधनों का आविष्कार किया, बुद्ध के द्वारा किया। ये आविष्कार बुद्ध के द्वारा ही हो सकते हैं, कोई और साधन तो नहीं है। अब इसको इतना भी न करें कि आज जितने भी यंत्र उपकरण उपलब्ध हैं, आप देखिए साहब वेद में तो ये आया है बुद्ध के द्वारा वैसे आविष्कार करते हैं, तो सारे आविष्कार उस समय भी थे? नहीं भाई, उस समय जो कुछ भी आविष्कार थे, बात वो सिद्धांत रूप में यही सही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वेद में सब कुछ नहीं है, परंतु जितना है उतना सत्य है, वेद में असत्य कुछ नहीं है। और ये प्रतीकात्मक कह सकते हैं सैद्धांतिक तत्व उसमें सब बता दिए गए हैं, शेष आपको अपने प्रयासों से प्राप्त करना है। ये बता दिया बुद्ध के द्वारा आप रमणी उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार कर सकते हैं। अब आप अपनी बुद्धि लगाइए, नए नए आविष्कार कीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। वेद ने इतना संकेत कर दिया, आगे आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, परिश्रम करना है, वो तो आपको ही करना है। वेद कोई तकनीक का ग्रंथ नहीं है जो आपको बताएगा कि नहीं साहब वेद में ये वाला सूक्त देखिए, उसमें आपको ये यंत्र उपकरण बनाने की विधि लिखी हुई होगी। जी नहीं, कहीं लिखी हुई नहीं होगी। वेद में बस ऐसे ही संकेत आपको मिलेंगे कि इसी प्रकार से आप अपने रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसे आप नए नए आविष्कार कर सकते हैं, ऐसे आप अन्य उत्तम कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे आपको वहां पर प्रेरणा संकेत मिलेंगे, पर दिशा निर्देश संकेत मिलेगा, शेष आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करके परिश्रम करके आविष्कार करना है, नई नई बातें खोजनी है। जो इस प्रकार की खोजें होती हैं, उनको हमने उपवेद कहा है। वेद की प्रेरणा से जो विषय विकसित हुए उन्हें हमने उपवेद कहा। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, ऐसे ही वेद से प्रेरणा ली, कुछ ऋषियों मनुष्यों ने परिश्रम किया और चिकित्सा शास्त्र हमको दे दिया, उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये उपवेद है। ऐसे ही धनुर्वेद है, युद्ध विद्या है धनुर्वेद। देखिए अभी सर्ज नीति आदि सब शत्रुओं को विजय करने हनन करने की तमाम प्रेरणाएं हमको अनेक मंत्रों में मिलती हैं। तो धीरे धीरे इन प्रेरणाओं से लोगों ने परिश्रम किया और युद्ध कला को विकसित किया, युद्ध के अनेक यंत्र उपकरण भी विकसित किए, क्रमशः विकसित किए। आज भी नए नए विकास आविष्कार हो रहे हैं, होने चाहिए, आगे भी होते रहेंगे। तो इसी प्रकार से गंधर्व वेद संगीत कला का विकास हुआ, वह भी उपवेद है। अर्थशास्त्र को भी उपवेद माना गया है, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ मनुष्यों ने उसका भी विकास किया। ऐसे अनेक कला कौशल अनेक विषयों का आविष्कार हुआ, विकास हुआ, तो वेद की प्रेरणा से उन सबका विकास हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसे उपवेद कहते हैं। और ऐसे अनेक उपवेदों का, उपवेद की शाखाओं पर शाखाओं का विकास आगे भी होता रहेगा, होता रहना चाहिए। इस प्रेरणा के साथ आज हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न, अपने बात, अपने विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, जैसे वर्तमान में पुलिस के पास ही लाइसेंस होता है गन वगैरह का, हथियार वगैरह का, इसी प्रकार जहाँ जहाँ ये लिखा है वेद में कि अमुक को मारो, तो ये उन्हीं के लिए ही उपदेश है ना, कि हर किसी के लिए है? स्वामी जी शायद आपका माइक ऑफ है ना। प्रत्येक व्यक्ति तो व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता, जो कहते नहीं या विध व्यवस्था कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये कहा गया है इस मंत्र में इंद्र के लिए, जो इंद्र है परमेश्वर है, परमेश्वरमान है, इसको हमने समाज का ईश्वर शासक चुना है। ये व्यवस्था तो वो बनाएगा कि कैसे किन शत्रुओं का, दुष्टों का कैसे संहार करना है, कैसे उन पर नियंत्रण करना है,
किनको करना है, कैसे करना है, वो तो एक व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, वो तो कहते हैं नहीं भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, फिर व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते। वैसे कोई बात है तो आप उचित स्थान पर सूचना दें, वो लोग उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। देखिए भाई, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ें। स्वामी जी, पूर्व काल में भी श्री राम के काल में जब ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे तो उसमें अड़चन डालते थे असुर लोग, तब वो ऋषि लोग जो है श्री राम जी के पास ही गए थे कि आप देखिए इनको मारिए, मतलब जो ऋषि मुनि लोग हैं उनको वो हिंसा नहीं करते थे, क्षत्रिय लोग जो थे वो हिंसा करते थे, वो मारते थे। ठीक बोल रहा हूँ ना स्वामी जी? जी बिल्कुल ठीक कहा। सामान्यता व्यवस्था यही है कि ऋषि हैं, साधक उपासक हैं, उनका मन तो शांत रहेगा, वो इस समय पड़ जाएंगे तो उनकी साधना बाधित हो जाएगी, तो उनको तो अपनी साधना करनी है और वे अपने साधना करते रह सकें, इसलिए दूसरा विभाग है जो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, तभी तो वो निश्चिंत होकर के अपनी साधना कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। इसमें एक चीज और जानना चाहता हूँ कि चाहे राम कृष्ण रहे हो, कृष्ण रहे हो, ये सभी लोग सामर्थ्यवान, सक्षम और शक्तिशाली लोग थे, जिनसे लोगों को ये आशा थी कि ये हमारे लिए कष्टों का निवारण करने में सक्षम है, इसलिए उनको विनती की जाती। देखिए ये बात ठीक है, समर्थ लोग थे, बात राम या कृष्ण या किसी व्यक्ति की नहीं है, बात व्यवस्था की है। वे शासक हैं और समाज में सुव्यवस्था स्थापित करना शासक का कार्य है। शासक से ही कहेंगे, कहीं कोई अपराध बढ़ रहा होगा तो हम सुरक्षा बलों के पास जाएंगे कि भाई आप देखो यहां पर ऐसा है, आपको करना, जिसको जो कार्य है वही करेगा। शासक का दायित्व तो है कि वो जनता को सुरक्षा प्रदान करे, इसलिए हम उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ पर असुरक्षा उत्पन्न हो रही है, आप देखिए। वो किसी भी काल में हो, जो कह सकते हैं बहुचर्चित है तो उदाहरण के रूप में नाम ले लिया जाता। ऐसा नहीं कि राम कृष्ण का समय, मैंने इतने समय में कितनी सैकड़ों पीढ़ियां हो गई। भाई मान लीजिए किसी राम के विषय में रामायण में विस्तार से लिख दिया गया, तो वो प्रणाली, वो प्रक्रिया, वो व्यवस्था तो हर समय निरंतर चली आ रही थी, राम के बहुत पहले भी, उसके बहुत पश्चात भी और आज भी। यहाँ किसी व्यक्ति के शक्तिशाली होने की बात नहीं है कि मोहल्ले में आपके कोई बहुत, आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, आप उससे कहें भैया तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, चलो भाई इनको देखो, तो उसी को अपराधी मान लिया जाएगा। ये तो उसने किसी की हत्या कर दी, भले ही वो किसी चोर की हत्या कर दे तो चोर की हत्या के आरोप में भी उसे हत्यारा माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। ये तो नहीं कह सकता कि मैंने तो चोर की हत्या की है जी, मैंने तो समाज की सुरक्षा की है, तो वो नहीं कर सकता है। चोर को पकड़ने का, दंडित करने का अधिकार उसको नहीं है, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, वो तब भी थी, वो आज भी है और आगे भी रहेगी, ये तो हमें समझना ही होगा। ऋषि युद्ध सामान्यता नहीं करते थे, इसका एकमात्र उदाहरण वैदिक इतिहास पुस्तक में हमने इन शब्दों के साथ दिया है। ऋषि लोग आश्रमों में युद्ध कला की शिक्षा देते थे, स्वयं कभी युद्ध में उतरते नहीं थे, रण क्षेत्र में ऋषि नहीं उतरते थे, वो प्रशिक्षण देते थे आश्रम में, शस्त्र चलाना, संचालन करना, युद्ध की लिद बनाना, व्यूह रचना करना, वो सब सिखाते तो अवश्य थे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से युद्ध क्षेत्र में वो नहीं उतरते थे। अपवाद के रूप में परशुराम का चरित्र ऐसा अवश्य है
जो भी उनके समक्ष ऐसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई, उनको नहीं लगा कि भाई उन्होंने प्रयास किया होगा, जो भी उनकी समस्या थी, किसी राजा ने उनकी इच्छा के अनुसार वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका, परशुराम ने स्वयं शस्त्र उठाया, स्वयं एक नहीं अनेक बार युद्ध किया, अनेक ऐसे राजाओं को मारा जिनको वो ठीक नहीं समझते थे। तो ये एक अद्भुत विशेष उदाहरण है परशुराम का, जो ऋषि भी हैं और योद्धा भी हैं। सामान्यतः आप देखेंगे ऋषियों ने युद्ध नहीं किए और सत्ता नहीं संभाली, जो शासक हैं वो युद्ध करते हैं, वे ऋषि नहीं होते, वे शासक होते हैं, उनको समाज में व्यवस्था बनानी होती है, वे ऋषियों की मर्यादा का पालन नहीं कर सकते और ऋषि अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे युद्ध नहीं कर सकते। सामान्यतः ये व्यवस्था रही है और रहनी चाहिए। हो धन्यवाद स्वामी जी, बताएं किसी और को कुछ कहना। हाँ कोमल बोलो जी। परंतु ये ऐसी व्यवस्था क्यों थी कि ऋषि युद्ध नहीं कर सकते? ऋषि का अर्थ आप क्या समझ रहे हैं आज की स्थिति में अगर समझें तो? ऋषि का अर्थ हुआ प्राध्यापक, ऋषि का अर्थ हुआ वैज्ञानिक, जिन्होंने चंद्रयान भेजा है, यदि उनके ऊपर ये दायित्व भी आ जाएगा कि वो अपनी और अपने प्रयोगशाला के संस्थान की सुरक्षा भी करें, तब तो जा चुका चंद्रयान, उस सुरक्षा की चिंता में रहेंगे तब तो चंद्रयान जा चुका, तब तो एक प्राध्यापक पढ़ा चुका, वो इसी की तैयारी करेगा कि कैसे हमें इन दुष्टों से निपटना है। इसलिए वो व्यवस्था दी गई है कि जो ऋषि हैं अर्थात बुद्धिजीवी हैं, आचार्य हैं, तो वो लोग अपना कार्य निश्चिंत होकर कर सकें, उनकी सुरक्षा का दायित्व समाज संभाले, शासन व्यवस्था संभाले। सुरक्षा में यह भी सुरक्षा है कि उनके जीवन यापन की व्यवस्था भी हम करें, ऐसा ना हो भूखे पड़े हैं तो कैसे फिर वो अपना कार्य कर सकेंगे, उनको दुष्टों से ही समस्या है तो कैसे वो निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सकेंगे। तो उनकी सुरक्षा या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति समाज और शासन व्यवस्था करे, तब वो समाज के हित में इस प्रकार की साधना, तपस्या, आविष्कार जो भी समझे वो कर सकेंगे। तो ये व्यवस्था तो हमें बनानी पड़ती है और इसी में आपा धर्म कहा जा सकता है कि भैया कोई परिस्थिति आ ही गई तो ऐसा नहीं है कि अब वो कह रहे हैं जब तक वो सुरक्षा कर्मी आएंगे तब तक क्या वो अपने प्राण दे देगा, तो अपनी रक्षा का तात्कालिक प्रयास तो वो करेगा ही, परंतु उचित यही है कि उसको अपना कार्य करने दें और अन्य दायित्व जिनको संभालना है वे संभालें। तो ये सुव्यवस्था सभी सभ्य समाजों में होती है और होनी चाहिए। ओम जी गुरु जी, समझ समझ। देख लीजिए कुछ और प्रश्न, कोई चर्चा है तो बताएं या फिर समापन कर दीजिए, समय तो हो ही गया है। जी किसी का प्रश्न? गुरुजी शायद किसी का प्रश्न नहीं है तो हम समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ॐ खं ब्रह्म, ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।
कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग सुबह कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम नमस्ते, सभी साथियों को शुभ रात्रि।